दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको मीशो पर अकाउंट बनाना है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको मार्केट प्लेस के जरिए मीशो पर काफ़ी सारे ऑर्डर लाना है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आपको सबसे पहले आपकी फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। चलिए हम अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि जो आपका फेसबुक अकाउंट है उसमें मार्केट प्लेस है कि नहीं। यानी दोस्तों, यदि आपके फेसबुक अकाउंट पर ये जो मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि ये है तो आप दोस्तों बहुत सारे ऑर्डर ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी जो सेलिंग चलती है यहाँ पर ऑनलाइन, जो फेसबुक मार्केट प्लेस के जरिए से ही हमारे पास आती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं इसमें पूरी प्रोसेस के साथ समझाऊंगा किस तरह से आपको फेसबुक से ऑर्डर लेने हैं। तो मार्केट प्लेस को आपको करना है सबसे पहले ओपन। ओपन जैसे ही हम मार्केट प्लेस को करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो मार्केट है सारा शो हो गया। और दोस्तों, यह जो आप जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट भी दोस्तों किसी बंदे ने यहाँ पर डाले, जैसे आप हैं, हम हैं। दोस्तों, हम जैसे ही लोग यहाँ पर प्रोडक्ट डालते हैं और फेसबुक के जरिए काफ़ी सारे यूजर हमसे कांटेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं। आपको सिंपली जब इस पर ओके करोगे, मार्केट प्लेस को ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी दिखाई दे रही, सेल यू सेव्ड। यानी दोस्तों, सेल इसका ऑप्शन, इसमें जब हम कोई प्रोडक्ट डालेंगे ये सेल होगा, और यू यानी दोस्तों हम व्यू देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के कि कितने आए हैं अभी तक। तो ये सारे फीचर मैं बाद में आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट करते हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं मीशो के, वो किस तरीके से हमको मार्केट प्लेस में लिस्ट कराना है। तो उसके लिए ये सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखोगे आपको तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा आइटम्स फॉर सेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब हमको वापस जाना है हमारे मीशो एप्लीकेशन पर। तो चलिए हम अपने एप्लीकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मीशो एप्लीकेशन पर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का जो इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आपको जो कलेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो कई सारी इसकी कैटेगरीज हैं ओपन हो जाएंगी और कई सारे प्रोडक्ट इसमें आपको दिखाई देंगे। तो आपको जिस भी प्रोडक्ट को सेल करना है सिंपली यहाँ से आप ले सकते हो। तो मान लीजिए मुझको जो स्पोर्ट सूच के जो है मुझे ये बेचना है, तो इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ से कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आपकी जो लो प्राइस के हिसाब से इनको सेल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा हाई प्राइस की जो है उसको सेल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मान लीजिए मुझे ये जो सूच है इसको सेल करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना, वो ये है कि दोस्तों इनकी जो प्राइस है आपको देख लेनी है। यदि सबकी जो प्राइस है दोस्तों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए अब दोस्तों ये जो प्राइस है वो लगभग अलग अलग है सभी की, तो हम देख लेते हैं कोई सेम प्राइस वाला प्रोडक्ट या इसी को बेचना है। तो इसके लिए आपको जो डाउनलोड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो गैलरी में ये सारी फ़ोटो आ जाएंगी। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके सेकंड नंबर पर आपको जो इसका जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं हम कॉपी। अब आपको फिर से जाना है फेसबुक अकाउंट पर। तो हम फिर से आ चुके हैं हमारे फेसबुक अकाउंट पर। अब यहाँ से आपको एड फ़ोटो का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपने वहां से डाउनलोड किए थे उसको इनको सिलेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो अच्छे लगे उनको सिलेक्ट कर देना ताकि वो ऊपर डिस्प्ले पर दिखाएंगे।
तो मैं बारी की सभी आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब सिलेक्ट करेंगे तो इधर पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो शूज हैं आ चुके हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है और सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके जो वहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं पेस्ट हो चुके हैं दोस्तों। इस डिस्क्रिप्शन में साइज वगैरह सब कुछ दिया गया है। फिर आपको यहाँ से कॉपी इतना करना है, इतना कॉपी करने के बाद दोस्तों ये जो टाइटल है यहाँ पे लेना है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं व्हाट ईयर एस सीलिंग, इस पर क्लिक करके आप जो टाइटल है उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद सेकंड है प्राइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आप जैसे मीशो पर है जो शूज थे दोस्तों 490 रुपये के लगभग में थे, तो मान लीजिए मुझको इस पर 50 या 60 रुपये बचाना है। तो यहाँ पर आपको रेट डाल देनी है 550 रुपये। अब दोस्तों क्या होगा कि जो भी व्यक्ति आपसे परचेस करेगा तो कमीशन के रूप में आपको, यदि एक बंदे ने परचेस किया तो एक बंदे पर आपको 60 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों इसमें कम वाले भी हैं लेकिन आप उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कम वाले हैं उसमें तो आप ज़्यादा कमाओगे, लेकिन यदि मान लीजिए यह जो शूज है 490 रुपये के हैं और हम 550 में बेचेंगे तो हमको 60 रुपये का प्रॉफिट होगा। उसके बाद इसमें इस कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट में इस पर क्लिक कर दें क्योंकि दोस्तों मेंस चूज है। तो यह क्लिक हो चुके। अब दोस्तों आप यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो, वहाँ की कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लोकेशन ब्रांड वगैरह डालो, लेकिन फिर भी आप साइज वगैरह डालना चाहते हो तो इस साइज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो। मान लीजिए साइज यहाँ से कॉपी कर, साइज को यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो साइज का ऑप्शन यहाँ पर साइज डाल देना। उसके बाद ब्रांड है तो दोस्तों स्पोर्ट्स शूज है, तो यहाँ से फिर इसको कॉपी करके इस टाइटल को आपके हिसाब से इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाल देना है आपको। और ना भी डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंडीशन में आप कुछ नहीं डालना। लोकेशन है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए मुझको यहाँ से लोकेशन इंदौर सेट करना है तो मैं इंदौर डाल लेता हूँ। इंडोर डालने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यह कुछ जो कंडीशन सब हो चुके। नीचे आपको ऑफर डिलीवरी फॉर दिस आइटम पर इसको इनेबल कर देना, ऑन कर देना। तो जो हमारी सारी प्रोसेस लगभग हो चुकी है। और इधर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किए हैं वो है ग्रुप है, यदि आप कमेंट करोगे तो काफ़ी अच्छे ग्रुप है। इसमें दोस्तों आपको इस तरह से ज्वाइन करना है जिसकी सदस्य की संख्या ज़्यादा हो। तो मान लीजिए इसमें आप 10 ग्रुप में ही सेंड कर सकते हो एक बार में। तो मैं फटाफट इस पर क्लिक करके और 10 ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ। दोस्तों यह कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसमें काफ़ी सारे मेंबर हैं और इसमें ऑर्डर काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हम 10 ही बार कर सकते हैं। तो फिर पोस्ट के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं लिस्ट हो जाएंगे, यानी दोस्तों फेसबुक पर लिस्ट हो जाएंगे। और जैसे हमने अभी प्रोडक्ट देखे हैं फेसबुक पर, ऐसे हमारे लिस्ट दिखाने लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जितने चाहे यहाँ से ऑर्डर ला सकते हो, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स और कंडीशन दोस्तों भी वीडियो रहेंगी। जो खत्म आने होने से वाली पहले आपसे एक वीडियो छोटी में सी यदि आप रिक्वेस्ट है कमेंट कि करते हो तो आपने अभी बता तक वीडियो को दूंगा। लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।